हेलो प्यारे बच्चों, डाउट एट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा छठी गणित की प्रश्नावली 2.2। तो आइए प्रश्न संख्या एक को पढ़ते हैं। उपर्युक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें संख्याएं दी हुई हैं, हमें उनका जोड़ करना है। तो आइए पहले ए पार्ट से शुरू करते हैं। 837 जमा 208 जमा 363, हमें इनको क्रम में लगा के जोड़ करना है। तो क्रम में इस तरह से लगाएंगे कि उन संख्याओं को ले पहले जिनके इकाई अंकों को जोड़ने पर 10 होता हो। तो यहाँ पर देखिए 7 और 3, इन दोनों का जोड़ 10 है, जिनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 837 जमा 363 जमा 208। पहले हम इन दो को जोड़ेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, 8 और 3 11 और 1 असल 12, 1200 जमा 208। अब इसको जोड़ने में आसानी होगी हमें, 1200 और 208 को हम जोड़ेंगे 1408। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। बी पार्ट में हमें 4 संख्याएं दी हुई हैं, हम उन संख्याओं के जोड़े बनाएंगे जिनके इकाई अंक का जोड़ 10 होता हो। तो 2 और 8 10, इनको इकट्ठा कर लेंगे। 3 और 7 10, इनको इकट्ठा कर लेंगे। तो 1962 जमा 1538 जमा 453 जमा 647, इस तरह से इनके जोड़े बना लेंगे। जोड़ करेंगे 1962 और 1538 को हम जोड़ेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3500 जमा 453 और 647 का जोड़ करेंगे 1100। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 3500 और 1100 को जोड़ना बहुत आसान है। देखो यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर भी 2 जीरो, तो हम 2 जीरो लिख लेंगे। हम अब जोड़ेंगे 3500 और 11 को, 3500 और 11 हो जाएगा 4600, तो 4600 इसका उत्तर आएगा। तो आपने ध्यान ये रखना है, क्रम में इस तरह से लिखना है कि दो संख्याओं की इकाई अंक का जोड़ 10 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 और 8 10, 3 और 7 10, तो इस तरह से हमको जोड़े बना लेंगे क्रम में लगा करके, इनका जोड़ आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, उपर्युक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें क्रम में लगा के गुणा करनी है। तो ए पार्ट है 2 गुणा 1768 गुणा 50। तो यहाँ पर भी बच्चों हमें इस तरह से क्रम में लगाना है कि गुणा करने पर संख्या है वो 10 आ जाए, 100 आ जाए, इस तरह से। यानी कि गुणा करने पर भी का एक अंक आए उसमें 0 आए। दो संख्याओं की जब गुणा करें तो इकाई अंक की गुणा करके देखें हम, तो उसमें क्या आए, 0 आए। इस तरह से देखना हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा 50 अगर हम करते हैं 100 आएगा। तो यहाँ पर हम जो क्रम है वो बनाएंगे 2 गुणा 50 और गुणा 1768, इस तरह से क्रम में लगा लिया हमने। अब 2 गुणा 50 की गुणा हो जाएगी 100, तो ये गुणा हमारे पास आ जाएगी 1768 की। गुणा करेंगे 100 से, 1768 गुणा 1, 1768, 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएंगी, 1,76,800। ये पार्ट करते हैं, 4 गुणा 166 गुणा 25। तो यहाँ पर भी हम पहले 4 गुणा 25 करेंगे, 25 गुणा 4 होता 100। तो हमारे पास संख्या आ गई 100, हमें संख्या ऐसी देखनी है जिनकी गुणा करने पर 10, 100, 1000 इस तरह से आए। तो यहाँ 25 गुणा 4 की गुणा पहले कर लेंगे और फिर गुणा 166 करेंगे। तो 25 गुणा 4 हो जाएगा 100, 100 गुणा 166। अब गुणा करना बहुत आसान है, 166 की गुणा 1 से करेंगे तो 166 ही आएगा, 1, 2, 2 जीरो हैं तो यहाँ 2 जीरो लग जाएंगी। इस तरह से हम सीधा ही गुणा कर सकते हैं। सी पार्ट है 8 गुणा 291 गुणा 125। तो यहाँ पर हम 8 की गुणा अगर करेंगे 125 से, 8 की गुणा करके देखो आप, 5 से 8 5 40, 0 आ रहा है इसके अंदर। तो इनके हमें जोड़े बना लेंगे, इनको हमें क्रम में लगा लेंगे। 125 की गुणा पहले करेंगे हम 8 से, फिर जो गुणा आएगी उसकी गुणा करेंगे 291 से। 125 गुणा 8 बच्चों होता है 1000 गुणा 291। अब बहुत आसान है, 291 एक कम 291, 1, 2, 3 और 3 जीरो है, ये इसका उत्तर आ जाएगा। डी पार्ट है 625 गुणा 279 गुणा 16। अब यहाँ पर बच्चों हमें क्रम में लगाना है, तो गुणा करके देखो आप, अगर आप गुणा करेंगे इन दोनों की
तो 9 × 5 = 45 आएगा, 0 नहीं आया। गुणा करते हैं 9 × 6 = 54, ये भी नहीं आया। गुणा करते हैं 2625 की 16 से, तो 6 × 5 = 6×5=30, इसमें 0 आएगा। तो ये गुणा कर लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी हमें गुणा करने में। तो 625 की गुणा पहले करेंगे 16 से और फिर गुणा करेंगे 279 से। 625 की गुणा करो 16 से, ये आ जाएगा हमारे पास, गुणा है 279। 279 गुणा 1 से कर दो, 279, जितनी आगे 0 हैं उतनी ही 0 लग जाएंगी, यही हमारा उत्तर होगा। 285 गुणा 5 गुणा 60, यहाँ पर देखो 5 × 5 करेंगे 25 आएगा, नहीं, गुणा करते हैं 5 की 60 से, तो 5 × 60 300, 0 आएगा इसके अंदर। तो ये ग्रुपिंग कर लेते हैं हम, तो ये हम जोड़ा बना लेते हैं, इसके अंदर क्रम लिख लेते हैं इसको, कि पहले 285 गुणा 5 की गुणा 60 के साथ ये जोड़ा बन जाएगा। इसको करेंगे 285 गुणा 60 गुणा 5, 6×5=30, 10 है, 10 लग जाएगी। अब हमें सिर्फ 285 को गुणा करनी है 3 से और 20 लगा देंगे, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 285 को 3 से गुणा कर लो, 3×5=15, 3×8=24 और 1×25, 3×2=6 और 2=8, 855, 20 आ जाएंगे। क्रम में लिखेंगे, पहले हम ऐसा कर लेते हैं 25 की गुणा कर लेते हैं 40 से और 125 की 8 से। 125 × 8 और 40 × 25, 125 की 8 से गुणा करने पर हमारे पास आएगा 1000, पूरी पूरी संख्या आ गई। 25 की गुणा करेंगे 40 से, 25 × 100, 10 है तो 10 लग जाएगी। 1000 × 1000, दोनों ही जोड़े बहुत ही आसान बन गए हमारे पास, गुणा बहुत आसान हो जाएगी। 1 की गुणा करो 1 से, 1, अब जितनी 0 हैं उतनी 0 लग जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसके आगे आ जाएंगी 6 0, यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसका ए पार्ट है 297 × 17 + 297 × 3। बच्चों यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि आप पहले 297 को गुणा करो 17 से, फिर 297 को गुणा करो 3 से, और दोनों को फिर क्या कर दो, जोड़ दो। लेकिन इससे आसान तरीका क्या है, यहाँ पर देखो दो संख्याएँ एक जैसी हैं, 297 297, तो हम क्या करेंगे, 297 इन दोनों संख्याओं में भार कॉमन ले लेंगे, उसको हम भार निकाल लेंगे। 297 हमारे पास भार आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा इस पूरे में, अगर ये भार ले लेंगे तो क्या बचेगा, 17 जमा। अब इन दोनों में से 297 हमने भार निकाल दिया तो क्या बच गया, 3, तो ये हो जाएगा 297 × 17 और 3=20। अब हमें 297 की गुणा 20 से करनी है, 297 गुणा कर दो तुम 2 से, 594, 10 थी तो यहाँ पर 0 लग जाएगी, तो यही हमारा उत्तर होगा। इसका बी पार्ट है 54279 × 92 = 8 × 54279, ये गुणा बहुत आसान है। 54279 को गुणा करेंगे 100 से, तो हमें सिर्फ क्या करना है, जितनी 0 हैं उतनी ही 0 आगे लगा देंगे और यही इसका मान हो जाएगा। सी पार्ट है, यहाँ पर भी हमारे पास दो संख्याएं एक समान हैं, 81,265 को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बच जाएगा 169 घटा यहाँ बचेगा 69, ये हमारे पास हो जाएगा 81,265 × 169 घटा 69 बचेगा 100। अब इसकी गुणा 100 से बहुत आसान है, जितनी 0 हैं उतनी आगे 0 लगा देंगे हम, ये इसका मान हो जाएगा। डी पार्ट को करते हैं, एक हमारे पास ये है, एक ये है। अब यहाँ पर बच्चों देखो कोई भी संख्या समान नहीं है, ऊपर हमारे पास एक एक संख्या क्या थी, दोनों में समान थी, यहाँ पर संख्याएं क्या हैं, अलग अलग हैं सब,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों गुणा करने पर जीरो आएगा, इन दोनों गुणा करने पर भी जीरो आएगा। यही करते हैं, यहाँ पर हम 3845 गुणा इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, पहले 782 की गुणा 5 से, ये आएगा 3910 जमा 769, 25 गुणा 218 करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5450। अब इन दोनों गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, ये हमारे पास आएगा 150 33950 जमा, अब गुणा करेंगे 769 की 5450 से, 41 91 0 50 41 91 0 50 गुणा मैंने कर रखे दोनों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ करने पर हमारे पास आएगा ये 19 22 5000, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10000 लाख 10 लाख करोड़, इनका जोड़ आएगा 1,92,25,000। यहाँ पर गुणा कर रखी मैंने दोनों की, ये आप नीचे देख सकते हैं, इन दोनों की गुणा यहाँ पर है, इन दोनों की गुणा यहाँ पर की गई है।